हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वॉर्म वेलकम इन यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आई नो कि ये टॉपिक काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला, इसको आप आईआर के लिए पढ़ते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो हम इसको GS4 के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे, इसको प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे, GS3 पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। GS4 में हम देखेंगे कि कुछ एक चीज़ होती है, एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं एथिक्स ऑफ वॉर। सो वॉट आर दीज एथिक्स ऑफ वॉर, इनके बारे में हम बात करेंगे। आफ्टर दैट, क्यों ईरान इसराइल का ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, क्या इनकी हिस्ट्री रही है। वील टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट हियर। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉन्फ्लिक्ट जो इसराइल और ईरान में है, ये एक बहुत वॉलेटाइल फेज में है, जहां पे ईरान ने अटैक किया इसराइल पे। इसराइल ऑलरेडी लेबनान में अटैक कर रहा था हिजबुल्ला ग्रुप पे, इसके बाद ईरान ने यहां पे अटैक किया इसराइल पे। अब इसराइल कह रहा है कि वी विल ऑल्सो रिटेलिएट, एंड ईरान कह रहा है कि नो नो, वी विल ऑल्सो रिटेलिएट। एंड दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग दैट यूएस इस वॉर में वेस्ट से बेटा बेटा मिडिल ईस्ट को जो है वो यहाँ अनबैलेंस्ड है। नाउ एक वॉलेटाइल फेज चल रहा है, कंसर्न्स रेज करता है अलग अलग सेक्टर्स के बारे में। पर्टिकुलरली इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रेड पे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ की इकॉनमी पे। सो जैसे जैसे टेंशन बढ़ रहा है, इम्प्लीकेशंस खासकर कि भारत जैसे देश के लिए जो एक एमर्जिंग प्लेयर है ग्लोबल मार्केट में, अब ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता चला जा रहा है। सो इफ वी विल बी टॉकिंग अबाउट हिस्टोरिकल रूट्स की यहां इतिहास में क्या चीजें रही हैं, सबसे पहला प्री वर्ल्ड वॉर वन, पैलेस्टाइन जब ओटोमैन एम्पायर के अंडर था, तो एक स्मॉल ज्यूइश माइनॉरिटी थी और एक लार्ज अरब मेजॉरिटी थी, जहां पे अरब ज्यादा थे और ज्यूइश माइनॉरिटी छोटी सी थी। वर्ल्ड वॉर एक के बाद, विश्व युद्ध एक के बाद, ब्रिटेन को कंट्रोल मिला पैलेस्टाइन का, और यहां पे टास्क होती है कि एक नेशनल होम बनाएंगे हम ज्यूइश लोगों के लिए, जो कि बैल्फोर डिक्लेरेशन पर यहां पे निर्धारित होगा। रिमेंबर द नेम ऑफ द डिक्लेरेशन, इट वॉज साइंड इन 1917। नेक्स्ट, बहुत सारे ज्यूइज स्पेशली जो होलोकास्ट के सर्वाइवर्स थे विश्व युद्ध के बाद, ये सब पैलेस्टाइन की तरफ आए और यहां पे टेंशन बढ़ने लगी अरब पॉपुलेशन और ज्यूज के बीच में। नेक्स्ट इसराइल बनता है 1948 में, ब्रिटेन पैलेस्टाइन से चला जाता है और एक ज्यूइश लीडर्स डिक्लेयर करते हैं कि अब इसराइल बन चुका है, एंड अब यहां वॉर हो जाती है आसपास के अरब नेशंस के साथ। बहुत सारे पैलेस्टीनियंस फ्लेड होते हैं, दे वर फोर्स्ड आउट ऑफ देयर होम्स, एंड इवेंट जिसको बोला जाता है अल नकबा, द कैटेस्ट्रॉफ। सो दिस वॉज द हिस्ट्री। अब यहां पे वॉर कैसे आई, ऑक्यूपेशन कैसे आए, तो 1967 में 6 दिन की एक वॉर चली थी, इसराइल को कंट्रोल मिला वेस्ट बैंक पर, ईस्ट जेरूसलम पर, गाजा पर और बाकी टेरिटरीज पे। उसके बाद से इसराइल ने सेटलमेंट्स बनाए वेस्ट बैंक पर और ईस्ट जेरूसलम पर, जो इलीगल फिलहाल इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं। गाजा, यहां पे इसराइल ने गाजा को 2005 तक यहां ऑक्यूपाइड किया, उसके बाद अपने ट्रूप्स को यहां विड्रॉ किया गया, सेटलर्स को भी विड्रॉ कर लिया गया। हाउएवर, अभी भी गाजा के बॉर्डर्स को जो कंट्रोल करता है वो इसराइल है, इसके एयर स्पेस को कंट्रोल करता है, इसके सी एक्सेस को भी कंट्रोल करता है। हमास के साथ कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो हमास 2006 में, ये एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है, हमास है, हिजबुला है, हुती ट्राइब्स हैं, हुती रिबल्स हैं, देर आर मेनी थिंग्स। सो यहां पे मिलिटेंट ग्रुप है जिस जो इलेक्शन जीता था गाजा में, और इसके बाद से ये बहुत सारे वॉर्स लड़ रहा है इसराइल के साथ। हमास कायम है इसराइल को डिस्ट्रॉय करना और इसराइल कायम है हमास को डिस्ट्रॉय करना। नाउ विच इज कंसिडर्ड एन ऑक्यूपाइंग फोर्स। अब करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है जो इस इश्यू के अंदर चल रहा है, जो जान लेना जरूरी है। तो हमास ने एक मेजर अटैक लॉन्च किया था अक्टूबर 2023 में, हम सभी लोग जानते हैं। इससे इंटेंस फाइटिंग हुई थी, कम से कम इसराइल के 1200 से ज्यादा लोग यहां मरे थे। यहां पे 450 से ज्यादा लोगों को एबडक्ट किया गया था, किडनैप किया गया था, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट केसेस हैं, टॉर्चर के केसेस हैं, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच आर देयर। अब यहां इंटेंस फाइटिंग होती है, इसराइल रिस्पॉन्ड करता है गाजा के ऊपर, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और ज्यादा अनरिजॉल्व इश्यूज जो थे, जो पैलेस्टाइन के साथ थे, रिफ्यूजीज के साथ थे, ये दोबारा से रिटर्न होने लगते हैं। और जो जोई सेटलमेंट है, इसका स्टेटस, कंट्रोल जेरूसलम का या पैलेस्टाइन स्टेट का कंट्रोल, ये सारी चीजें दोबारा से न्यूज में आ जाती हैं। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट क्या है यहां, तो इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट है कि यूएस और बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, मिलिट्री एड देते हैं, डिप्लोमेटिक बैकनिंग देते हैं। इंडिया का जो है वो स्टांस न्यूट्रल है, दोनों तरफ से इंडिया बोलता है, गाजा के लिए भी एंड इसराइल के लिए भी। नेक्स्ट इज पैलेस्टीनियंस के लिए सपोर्ट भी है, कंट्रीज जो ईरान जो हमास को सपोर्ट करता है, रशिया है, चाइना है, ये बात करते हैं कि दोनों साइड को डायलॉग के थ्रू बात करनी चाहिए। ओपनिंग या हमास को लेकिन कंडेम जरूर किया जाता है। अब भारत के लिए क्या इंप्लीकेशन है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिस्क दिखाता है डिसरप्शन के, खास करके जो शिपिंग रूट है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होगा वो भारत को लेकर के होगा। अब इसको आप रेड सी मान लीजिए,
यहाँ पर जो रेड सी है, जो स्विज कैनाल है, ये रूट्स पर्टिकुलरली बहुत वाइटल हैं। रिसेंटली यहाँ अटैक्स भी हुए थे, हमने गल्फ ऑफ एडन के आसपास अभी 5-6 महीने पहले अटैक्स देखे थे। एज ये फैसिलिटेट करते हैं गुड्स के मूवमेंट को, और ये जो मूवमेंट है, रिमेंबर द डेटा, इट्स 400 बिलियन, मोर देन 400 बिलियन एनुअली। और अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी आती है, जैसे शिपिंग लेन्स का ना होना, ओवरऑल सिक्योरिटी में, तो यहाँ भारत को अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या आएगा, ट्रेड रूट्स का डिस्ट्रप्शन होगा, शिपिंग कॉस्ट वुड इंक्रीज, बिकॉज यहाँ पर अगर स्विस कैनाल से नहीं आएंगे तो उनको घूम करके केप ऑफ गुड होप से आना पड़ेगा, सो इट विल अल्टीमेटली इंक्रीज द शिपिंग कॉस्ट। इसके अलावा अगर रॉ मटेरियल है, इट विल पेरिश। इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा एक्सपोर्ट्स पर, डिक्लाइन होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स पे। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पास कर रहा है, इस पे इफेक्ट होगा। देर वुड बी थ्रेट एंड वायबिलिटी फॉर द कॉरिडोर। इंपैक्ट होगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, सो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस वुड इंक्रीज एज वेल। एंड यहाँ पे इफेक्ट इंडियन मार्केट्स पे क्या होंगे, पोटेंशियल शिफ्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में। पॉसिबल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इमीडिएट सीज फायर एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों ईरान इसराइल के बीच में, ताकि इमीडिएट सीज फायर हो, जहां ऑलरेडी वॉर चल रही है इसराइल गाजा के बीच में वो चले, बट और वो ना बढ़े। नेक्स्ट, रीजनल कोलैबोरेशन इज वेरी नेसेसरी। गल्फ अरब स्टेट को एंगेज करना डिस्कशंस में, एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होना, ताकि ये सिचुएशन डीएस्केलेट हो सके। शेयर्ड कंसर्न्स, ईरान के इन्फ्लुएंस उस रीजन में, इन सारी चीजों पे बात की जा सकती है। ह्यूमैनिटेरियन एड तुरंत यहां जरूरी है इन अफेक्टेड रीजन्स में। देखा जाता है कि शुरुआत के जो 3 महीने अक्टूबर के बाद जो वॉर रही थी, यहां पे डेली 10 बच्चे ऐसे थे, किड्स ऐसे थे जो एक पैर या दोनों पैर खो रहे थे। डेली ऑन एन एवरेज देवर 10 किड्स डेली, सो इट इज अ वेरी डिवास्टेटिंग सिचुएशन फॉर द ह्यूमैनिटी। विल सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन है, जैसे और ह्यूमैनिटेरियन एड में यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी का आप एग्जांपल दे सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन मेंस पर्सपेक्टिव से आता है तो। अब यहाँ पे ये रिजोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी यहाँ बीच में ला सकते हैं। लॉन्ग टर्म पीस इनिशिएटिव शुड बी देयर, जैसे कि एक वॉर्सो एग्रीमेंट था, इफ यू रिमेंबर, वॉर्सो एग्रीमेंट जो था वो यूएस और रशिया के बीच में था, इट वॉज अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स एंड ऑल, लेकिन अभी इसको रशिया नहीं मानता है, बट ये लॉन्ग टर्म तक इसने पीस के लिए वर्क किया था, सो इस टाइप के एग्रीमेंट्स यहाँ हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मेन एलाइज क्या है, इसराइल के साथ कौन है और ईरान के साथ कौन है। यूनाइटेड स्टेट इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, मिलिट्री एड प्रोवाइड करता है इसको। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस जो है डिप्लोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। अरब के एलाइज की बात करेंगे तो सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई, ये सपोर्ट नहीं करते हमास को, लेकिन क्वाइटली ये हेल्प करते हैं इसराइल को। रिमेंबर द नेम्स, एंड हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कंट्रोल करता है गाजा को, और फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट में है इसराइल के साथ। ईरान का इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो ईरान ने लॉन्ग सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे इसके हजबोला है, हमास है, ऑलरेडी ईरान बैक के जो हूती रेबल्स भी यहाँ पे हैं, या जो हजबोला रेबल्स भी हैं, वो यमन से यहाँ सऊदी अरेबिया पे भी अटैक करते हैं, तो ये एक ओवरऑल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बट रिसेंटली थिंग्स जो हैं वो फर्दर और ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि इसराइल पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अक्टूबर 2024 में ईरान ने मिसाइल फायर की थी इसराइल पे, अक्टूबर 2024, इसराइल ने किया था, हेजबोला का जो लीडर है उससे जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो चुका है, ये उसके ही लोग कह रहे हैं। ये दिखाता है कि ईरान ओपनली ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है डायरेक्ट वॉर पर। ये एक चेस बोर्ड है जहां पे हम देखेंगे, ये इंडिया टुडे का बेसिकली यहां पे है, यू विल सी ईरान, इराक, इराक का अल नौजा या महादी आर्मी यहां पे है, दनिया फताह अल इनफिदा है, हजबोला इस्लामिक जो जिहाद है वो आपको यहां देखने को मिलेगा, लेबनान में देखने को मिलेगा, इसराइल है, दिस इज द इसराइल इन द रेड विच यू कैन सी, वेस्ट बैंक गाजा में आपको हमास दिखता है, बिकॉज इसराइल हमास के साथ भी लड़ रहा है, हजबोला के साथ भी लड़ रहा है, देन मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में है, हूती रेबल्स जिनको बैक करता है कौन, ईरान, ये अटैक करते हैं सऊदी अरेबिया पर, तो यहां पे भी अभी वॉर इतना दूर यहां नहीं पहुंचा। हूती रेबल्स जो हैं, ये आपको दिखेगा कि रेड सी में आसपास की जाने वाली चीजों में ये हिंड्रेंस पैदा करते हैं, तो वो काम यूएस और बाकी कंट्रीज का है। नेक्स्ट, नाउ वील टॉक अबाउट GS4 एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो GS4 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक थ्योरी आती है, जस्ट वॉर थ्योरी विच वॉज गिवन बाय ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो एंड थॉमस एक्विनास। ये एथिकल फ्रेमवर्क है जो डिसाइड करता है कि इज इट अप्रोप्रिएट टू गो टू वॉर।
जैसे कि क्रिश्चियन फिलोसफी है, क्रिश्चियन फिलोसफी में जो जस्ट वॉर थ्योरी है जो एक क्रिश्चियन फिलोसफी का अटेम्प्ट है टू रिकनसाइल थ्री थिंग्स, टेकिंग ह्यूमन लाइफ इज सीरियसली रॉन्ग, स्टेट्स हैव अ ड्यूटी टू डिफेंड देयर सिटीजन एंड डिफेंड जस्टिस, प्रोटेक्टिंग इनोसेंट लाइफ एंड डिफेंडिंग इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज समटाइम्स रिक्वायर विलिंगनेस टू यूज फोर्स एंड वायलेंस। अगर हम बात करें कि यहां पर इसराइल क्यों नहीं रुक जाता है, तो इसराइल जो ज्यूज हैं वो मानते हैं मूसा को, और मूसा का क्लियर स्टेटमेंट था रहा था, द स्टेटमेंट वॉज आई फॉर एन आई। सो दिस इज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ अ नेशन, द थिंग्स विच वैल्यू सिस्टम जो एक नेशन यहां पर फॉलो करता है, नेशनल एथिक्स क्या है, उसके नेशनल वैल्यूज क्या है। जैसे अब इस एलिमेंट्स में दो चीजें आती हैं, जस्ट एड बेलम, जस्ट इन बेलो। जस्ट एड बेलम ये टेस्ट है डिसीजंस का प्रिंसिपल अप्लाई करना जो जस्ट कॉज रिलेटेड है, जैसे राइट इंटेंशन होना चाहिए, लेजिटिमेट अथॉरिटी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए कि वॉर कितनी जीतेंगे कितनी नहीं। जस्ट इन बेलो एथिकल प्रिंसिपल यहां पे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन या प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड होते हैं। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट करेक्ट। The Balfour Declaration committed Britain to creating a nation for Jewish people in Palestine. The Arab nation accepted the UN 1947 proposal for partitioning Palestine. The Six-Day War in 1967 resulted in Israel gaining control of West Bank and Gaza. Many Palestinians refer to their mass displacement in 1948 as Al-Nakba. So I hope you all can answer it. You can type the answer in the comment section, the relative script or not. And now we have mains practice question. For the people who are already writing daily mains answer, because यहाँ 30 दिन पे 30 mains questions आपको मिलते हैं, for your own practice, because यही जो time है October, November, December, यही peak time है जिसमें आप mains answer writing skills को improve कर सकते हैं। इसके बाद January, February से you start preparing for prelims. So this is the best time. Many students are learning this. If you want to join it, let us know in the comment section or you can go to the app chat section. So the question says, discuss the implications of the ongoing Israel-Palestine conflict on India's trade, particularly focusing on the shipping routes and export sectors vulnerable to disruptions. How should India strategize to mitigate these risks? So try to write this in 250 words. This is related to your GS3 part. Economy wale part se related hai. Agar hum isi question ko GS4 mein banate hain, to war ethics ki yahan pe baat aayegi. अलग अलग चीज़ों की बात आएगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात आएगी, वॉर को लेकर के। जैसे अभी 2024 का जो एथिक्स का पेपर हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एनालिस्ट आईएएस फॉर बेटर प्रिपरेशन, एंड सी यू इन दिस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम विच इज हैपनिंग डेली। थैंक यू।